नमस्कार, शिरोनाम प्रैक्टिस सेट ये दो है। इसके पहले मैंने प्रैक्टिस सेट वन अपलोड कर दिया है। यदि आपने प्रैक्टिस सेट वन नहीं देखा है तो जाकर उसको जरूर देखिएगा। वहाँ पर मैंने एसएससी सीरियल के जो भी शिरोनाम्स पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन उसमें कवर किया है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ सीएचएसएल में पूछे गए जो कि 12/4/2021 से लेकर जिसके बाद के जो भी पेपर हुए थे जो शिफ्ट में, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको कवर किए गए हैं। यहाँ पे टोटल 40 सिनोनिम को मैंने कवर किया है और 40 के साथ आपको 4 ऑप्शन, मतलब यहाँ पे कुल 160 वर्ड्स आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। पहला है प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब होता है बुद्धिमानी या सावधानी। ए है रेकलेस। रेकलेस का मतलब होता है लापरवाह। रूड का मतलब होता है कठोर। हेस्टी का मतलब होता है जल्दबाजी में। और कॉशियस का मतलब होता है सावधान। तो यहाँ पे इसका सिनोनिम्स जो हो जाएगा ऑप्शन डी, कॉशियस। अगला है अस्ट्रेस। अस्ट्रेस का मतलब होता है फैलाव, किसी भी चीज़ का विस्तार। एक्सटेंड का सेम मीनिंग होता है, एक्सटेंड का मतलब ये होता है फैलाव या विस्तार। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन ए। सीज का मतलब होता है बंद करना। क्लोज का मतलब भी होता है बंद करना। कॉम्प्रेस का मतलब होता है दबाना। आगे देखिए प्रिसिशन। प्रिसिशन का हिंदी मीनिंग जो होता है शुद्धता। शुद्धता ऑप्शन ए की तरफ देखते हैं। नेगलेक्ट, नेगलेक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को नज़रअंदाज करना। एस्टिमेशन का मतलब होता है अनुमान। एक्यूरेसी का मतलब होता है शुद्धता। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन सी कंप्लीट इसका सिनोनिम हो जाएगा, जो करेक्ट सिनोनिम है ऑप्शन सी। वैगनेस का मतलब होता है अस्पष्टता, कोई भी चीज़ अस्पष्ट नहीं हो। नेक्स्ट 4 नंबर पर देखते हैं प्रायोरिटी। प्रायोरिटी का मतलब होता है वरीयता, किसी भी चीज़ को अधिक फोकस करना, ज़्यादा प्राथमिकता देना। प्रेफरेंस का सेम मीनिंग होता है। प्रायोरिटी का सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सी में आप यहाँ पे देखेंगे इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस का हिंदी मीनिंग होता है अनुमान। वहीं पर अब मैं बात करूँ सबसर्वियंस। सबसर्वियंस का जो हिंदी मीनिंग होता है उपयोगिता। और यहाँ पर डिफरेंस का मतलब होता है सम्मान। आगे देखिए रैंडम। रैंडम का मतलब होता है जो भी कोई चीज़ जो लगातार ना हो, मतलब अनियमित। आर्बिट्री का मतलब होता है वही कोई भी चीज़ अपने मन से की जाए, आर्बिट्री मनमाना काम किया जाए, स्वेच्छा से कार्य किया जाए। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित। प्लान का मतलब होता है जो योजनागत होती है। रीजनेबल का मतलब होता है तार्किक। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पे ब्लोस्टर। ब्लोस्टर का हिंदी मीनिंग होता है मजबूत होना, मजबूत होना। इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है स्ट्रेंथन। स्ट्रेंथन का मतलब ये होता है मजबूत होना। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन की तरफ देखेंगे वीकेंड का मतलब होता है कमजोर होना। डिस्करेज का मतलब होता है हतोत्साहित होना, मतलब ये इम्बोल्डन का ये सिनोनिम सॉरी एंटोनिम से। इम्बोल्डन का मतलब होता है प्रोत्साहित करना। आगे देखिए 7 नंबर पर आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब होता है किसी चीज़ को अलग कर देना। इंक्लूडेड का मतलब होता है किसी को शामिल करना। सेक्युलेटेड का मतलब है किसी चीज़ को अलग करना। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइसोलेटेड का सिनोनिम्स हो जाएगा सेक्युलेट। मिंगलिंग। मिंगलिंग का जो हिंदी मीनिंग हो जाएगा घुलना मिलना। ओपन का मतलब होता है खुलना। आगे देखिए 7 नंबर पर इमर्ज। इमर्ज का हिंदी मीनिंग होता है उभरना। एस्पायर का मतलब होता है महत्वाकांक्षा करना। एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना। और यहाँ पे अपीयर का मतलब होता है दिखाई देना। और एक्वायर का मतलब होता है अर्जित करना। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उभरना या दिखाई देना। इमर्ज और अपीयर दोनों का मीनिंग सेम होता है। 9 नंबर पर देखेंगे कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का हिंदी मीनिंग जो होता है रियायत, या इसका हिंदी मीनिंग होता है तिरस्कार। डिसडेन का भी हिंदी मीनिंग होता है तिरस्कार। तो यहाँ पे कंडेंसेशन का जो सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी में है इफ्यूजन सॉरी कोहेंसन। कोहेंसन का मतलब होता है एकजुटता होना। इफ्यूजन का मतलब होता है बहाव। इंटेंशन का मतलब होता है आपका इरादा। आगे 10th नंबर पर अट्रैक्ट। अट्रैक्ट का मतलब होता है आकर्षित। फैसिनेट का मतलब होता है आकर्षित। डिसगस्ट का मतलब होता है घृणा। रिलीज का मतलब होता है रिहाई। और प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना। तो इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फैसिनेट। किसी को मंत्रमुग्ध कर देना या उसको अट्रैक्ट करना। रेकलेस का मतलब होता है लापरवाह। ऑप्शन ए अफ्रेड। अफ्रेड का मतलब होता है भयभीत। कॉशियस का मतलब होता है सावधान। अटेंटिव का मतलब भी होता है सावधान। और थॉटलेस का मतलब होता है लापरवाह। तो यहाँ पे इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए 12 डेविएट। डेविएट का मतलब होता है विचलित। डेविएट का हिंदी मीनिंग होता है विचलित। ऑप्शन देखेंगे वीर। वीर का
सेम मीनिंग होता है चेंज डायरेक्शन सडनली, मतलब किसी भी चीज़ की डायरेक्शन जो है सडनली चेंज होती रहती है, उसको वीर कहते हैं। इसका सही नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन देखेंगे, इमिटेट, इमिटेट का मतलब होता है किसी चीज़ का नकल करना। रेप्लिकेट का मतलब होता है रिपीट करना, दोहराना। कन्फर्म का मतलब होता है अनुरूप होना या समान होना। कन्फर्म, वो कन्फर्म वो वाला नहीं है, सी ओ एन एफ आई आर वाला कन्फर्म नहीं है, यहाँ पर देखिएगा कन्फर्म है। इसका मीनिंग होता है समान होना, एक जैसा होना, अनुरूप होना। 30 नंबर पर है चैलेंज, चैलेंज का मतलब होता है चुनौती। ऑप्शन देखेंगे, एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस का मतलब होता है स्वीकार। आंसर का मतलब होता है उत्तर। पीस का मतलब होता है शांति। और ऑब्जेक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ का चैलेंज या किसी चीज़ पर अपना क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट करना, चाहे चुनौती देना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑब्जेक्शन। 14 नंबर पर डिविडेंस, डिविडेंस का मतलब होता है झिझक। बोल्डनेस का मतलब होता है साहस। करेज का मतलब होता है साहस। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है आत्मविश्वास। और मीकनेस का मतलब होता है डिविडेंस, मतलब झिझक या नम्रता, दोनों का सेम मीनिंग होता है। तो ऑप्शन डी इसका सरेनाम हो जाएगा, डिविडेंस का सरेनाम होता है मीकनेस। 15 नंबर पर है रैज, रैज का मतलब होता है किसी चीज़ टुकड़े टुकड़े में होना, किसी भी चीज़ टुकड़ा टुकड़ा में होना। ऑप्शन बी टर्न का मतलब भी यही होता है। स्मूथ का मतलब देखते हैं चिकना होता है। ओरिजिनल का मतलब वास्तविक। गोल्डन, गोल्ड से बना है, सोना से, गोल्ड मतलब गोल्डन सोना। यहाँ पर रैज का जो सैनेनम्स हो जाएगा टर्न, टर्न का मतलब भी होता है फटा हुआ या टुकड़े में होना। आगे देखते हैं 16 नंबर पर एडिल्यूशन, एडिल्यूशन का एक आपका जो मीनिंग होता है चापलूसी भी होता है। भर्प रूप में आप इसका यूज करना चाहें तो होता है आराधना करना या किसी से बहुत प्यार करना। अस्कॉर्न का मतलब होता है तिरस्कार करना, घृणा करना। एडोरेट का मतलब होता है एडोरेशन, एडोरेशन का मतलब होता है किसी का आराधना करना या अधिक प्यार करना। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एपैथी का मतलब होता है उदासीनता। और अभर्जन का मतलब होता है घृणा। ड्रेडेड, ड्रेडेड का हिंदी मीनिंग होता है खूंखार। और फेरेड का भी मतलब होता है खूंखार। तो इसका रेड का जो सिनोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्राउड का मतलब होता है गर्व। फियरलेस का मतलब होता है निडर। और एफ्रेड का मतलब होता है भयभीत। आगे देखिए 19 पर रेस्प्लेडेंट, रेस्प्लेडेंट का मतलब होता है 80 नंबर पर है डिटेक्टर, डिटेक्टर का मतलब होता है तानाशाह, डिटेक्टर का मतलब होता है तानाशाह। यहाँ पर ऑप्शन की तरफ देखेंगे, टायरेंट का मतलब भी होता है तानाशाह। तो यहाँ पे जो सीधा सिनोनिम्स इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कमांडर का मतलब होता है कोई जो भी कंपनी का जो हेड कमांडर होता है, किसी भी सेना का या समूह का हेड। फ्लोअर मतलब किसी को फ्लो करने वाले, पालन करने वाले। और एम्प्लॉई का मतलब होता है कर्मचारी। यहाँ पर डिटेक्टर जो तानाशाह का सिनोनिम्स हो जाएगा टायरेंट हो जाएगा। अगला देखेंगे 19 पे रेस्प्लेंडेंट, रेस्प्लेंडेंट का मतलब होता है बड़ा चमकीला, जो चमकीला हो, दीप्तमान हो। एक रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, जितने भी हमारे भाई बहन देख रहे हैं, कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस तरह के वीडियो बनाने में काफ़ी इफ़र्ट लगता है, तो आई होप आप सपोर्ट करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है लाइक जरूर करिए। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे, रेस्प्लेंडेंट का मतलब होता है दीप्तमान, बहुत चमकीला, डैजलिंग। यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। डल का मतलब होता है सुस्त। अनअट्रैक्टिव, जो अट्रैक्टिव ना हो, मुरझाया हुआ हो। विथर्ड का मतलब भी वही होता है, मुरझाया हुआ। आगे देखेंगे 19 नंबर पर रेस्प्लेंडेंट, रेस्प्लेंडेंट का मतलब जो होता है, ये शायद हो गया इधर, हाँ हो गया है। 20 नंबर पर है बुल हेडेड, बुल हेडेड का मतलब होता है हठीला, जिद्दी आदमी, जो किसी की ना सुने। बुल हेडेड का मतलब हठीला। अब यहाँ पे हेड स्ट्रॉन्ग इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। हेड स्ट्रॉन्ग का भी हिंदी मीनिंग होता है हठीला या ठेठ। क्लियर हेडेड का मतलब होता है स्पष्ट अध्यक्षता, या कोई स्पष्टवादी है। मडल हेडेड का मतलब होता है बैकऑफ। वीक माइंडेड का मतलब होता है मंदबुद्धि। तो बुल हेडेड का जो आपका सिनोनिम्स हो जाएगा हेड स्ट्रॉन्ग, हठी। आगे देखिए लिंट, लिंट इसका सिनोनिम्स हो जाएगा फर, मतलब ये छाल, किसी भी चीज़ का छाल होता है, जो छिछला होता है उसको बोलते हैं। फिल्म, फिल्म मतलब होता है चलचित्र। कॉपी, किसी का कॉपी करना, अनुकरण करना। ज्वाइंट मतलब जोड़ना। 22 नंबर पर है विस्टफुल, विस्टफुल का मतलब होता है उदास। सोरफुल,
दोनों का सेम मीनिंग होता है। इसका सिनोनिम हो जाएगा विशफुल का सोरोफुल। कॉन्टेंटेंट, कॉन्टेंटेंट का मतलब होता है संतुष्ट, हैप्पी का मतलब होता है खुश, और यहाँ पर सैलो का मतलब होता है छिछला, छिछला सतही, किसी भी चीज़ का ऊपरी सतह, सैलो। आगे देखिए 23 नंबर पर नोवाइस, नोवाइस का मतलब है नौसिखिया। इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा सी विग्नर। एक्सपर्ट का मतलब होता है विशेषज्ञ, साइलेंट का मतलब शांत, और एडेप्ट का मतलब होता है निपुण। यहाँ पे इसका जो सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नोवाइस का सिनोनिम हो जाएगा बिगिनर। डिवल्ज, डिवल्ज का हिंदी मीनिंग जो होता है प्रकाशित करना, डिवल्ज का हिंदी मीनिंग होता है प्रकाशित करना। ऑप्शन की तरफ देखेंगे, ऑप्शन ए है सप्रेस मतलब दबाना। कॉन्सील का मतलब होता है किसी चीज़ को छुपाना। रिवेल का मतलब होता है किसी चीज़ का उजागर करना या प्रकाशित करना। और डिसाइड का मतलब निर्णय। तो यहाँ पे इसका सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिवेल। आगे देखिए 23 नंबर नोवाइस हो गया, डिवल्ज नोवाइस रिपीट हो चुका है ये दोनों। हाँ 25 मैंडेटरी, मैंडेटरी का मतलब होता है अनिवार्य। इम्परेटिव मतलब आवश्यक। ऑप्शनल का मतलब होता है वैकल्पिक। इम्पेरियस और अननेसेसरी, जो जरूरी ना हो। यहाँ पे इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इम्परेटिव का भी मतलब होता है अनिवार्य। आगे देखिए 26 नंबर पर एबोर्ड, एबोर्ड का मतलब होता है निवास स्थान या निवास। ऑप्शन देखेंगे हैबिचुएशन, हैबिचुएशन जो आपका हैबिट से बना है, आदि होना, इसका मीनिंग होता है। एबोर्ड मतलब होता है समीप या घर। तो इसका जो आपका सिनोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डिवेलिंग। डिवेलिंग का मतलब आवास होता है। एबोर्ड का मतलब होता है समीप, नज़दीक, और आपका डिवेलिंग का मतलब होता है निवास। एनेक्स, एनेक्स का मतलब होता है अनुलग्न, या इसके नाउन के रूप में आप यूज करेंगे तो उपभवन होता है। वर्ब के रूप में इसका यूज करेंगे तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा अनुलग्न करना, उसको अटैच करना या हड़प लेना। आगे देखिए 27 प्रोब, प्रोब का मतलब होता है जांच। ऑप्शन देखिए इग्नोर का मतलब होता है किसी को नज़रअंदाज करना, रिप्लाई मतलब प्रतिउत्तर देना, इन्वेस्टिगेट मतलब जांच करना। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्सप्लेन मतलब किसी भी चीज़ को अच्छे से समझाना, उसको और डिटेल में ले जाना। आगे देखिए 28 ब्रेस, ब्रेस का मतलब होता है सिकोड़ना। लेट्स गो, लेट्स गो चलो से आपका ये तो फ्रेज हो गया। लूसेन, लूसेन का मतलब होता है ढीला। फोर्टिफाई का मतलब होता है मजबूत करना, और वीकेंड का मतलब होता है कमजोर। तो यहाँ पे इसका 28 का जो सिनोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फोर्टिफाइड, सिकोड़ना या किसी चीज़ को और मजबूत करना। ऑप्शन 29 देखते हैं, सॉरी क्वेश्चन 29, सेवेरिटी, सेवेरिटी का मतलब होता है तीव्रता। ऑप्शन देखिए एंग्विश, एंग्विश का मतलब होता है गुस्सा को और बढ़ा देना। पैन का मतलब होता है दर्द, और सीरियसनेस का मतलब होता है गंभीरता। सपोर्ट का मतलब होता है सहायता। तो यहाँ पे इसका सिनोनिम्स हो जाएगा 29 का ऑप्शन नंबर सी, सीरियसनेस। सेवरेटी का मतलब तीव्रता या गंभीरता दोनों होता है, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा सीरियसनेस। तो ये एक जो वर्ड्स होते हैं उसे कई सारे मीनिंग होते हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि दिए गए ऑप्शन में से कौन से उसके मीनिंग से मैच करता है। तो ये चीज़ थोड़ा आपको देखनी पड़ती है, कई बार ऐसे आपके सिनोनिम्स आ जाते हैं। 30 है इमर्ज, इमर्ज का हिंदी मीनिंग होता है उभरना। ऑप्शन देखेंगे मिंगल, मिंगल मतलब मिल जाना, किसी भी चीज़ में मिल जाना। विथ होल्ड मतलब रोक देना। अपीयर, अपीयर का मतलब होता है प्रकट होना या उभरना। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लीफ मतलब छोड़ देना। 31 वरी, वरी का हिंदी मीनिंग जो होता है टेढ़ा, टेढ़ा मड़ोरा हुआ, कोई भी चीज़ मड़ोरी हुई है। स्ट्रेट, स्ट्रेट का मतलब होता है कोई भी चीज़ स्ट्रेट है, सीधी है। फ्रैंक का मतलब भी होता है स्पष्ट। क्रूक का मतलब होता है कोटिल या टेढ़ा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फोर्थ राइट का आंसर होता है निष्कपट, फोर्थ राइट का हिंदी मीनिंग निष्कपट होगा। आगे देखिए मेलिगेंट, मेलिगेंट का जो हिंदी मीनिंग होता है घातक होता है, दुष्ट होता है, डेंजरस हो सकता है, नुकसानदेह होता है। यहाँ पे इसका सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन ए, विशियस। दोनों का सेम मीनिंग है, मतलब ये हानिकारक है, घातक है, दुष्ट है, निगेटिव यहाँ पे इसका मीनिंग होता है। बेनिफिशियल का मतलब होता है लाभदायक। हेल्दी का मतलब स्वास्थ्य, स्वास्थ्यवर्धक, और लविंग का मतलब प्यारा। तो आप इसका ऑप्शन से भी देख सकते हैं कि एक ऑप्शन निगेटिव है और बाकी सारे पॉजिटिव हैं। क्वेश्चन 33 कॉम्प्लाई, कॉम्प्लाई का हिंदी मीनिंग होता है अनुपालन करना,
किसी भी चीज़ का पालन करना, अनुपालन करना, आज्ञा को मानना। तो ऑप्शन ए इसका सैनोनिम्स हो जाएगा, एडोर। एडोर का हिंदी मीनिंग हो जाएगा पूजा करना, किसी से बहुत प्यार करना। डिक्लाइन माना करना, डिनाई मतलब ही वही, डिक्लाइन मतलब माना करना या नीचे की तरफ, डिनाई मतलब माना करना। 34 डर्थ। डर्थ का मतलब होता है कमी, डर्थ का मतलब कमी या अकाल, कमी। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा शॉर्टेज। शॉर्टेज का मतलब ही होता है कमी। वीकनेस, वीकनेस का मतलब होता है कमजोरी। लीकेज, रिसाव, जैसे किसी भी बोतल से अगर कुछ भी उसमें फट जाता है तो वहाँ से लीकेज होती है, वो है लीकेज। इनक्रोच, इनक्रोच इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा अतिक्रमण करना। डिसरिगार्ड का मतलब होता है किसी का अनादर करना या उपेक्षा करना। इग्नोर का मतलब यही होता है किसी को उपेक्षा करना, नज़रअंदाज करना। इंट्रोड्यूड का मतलब होता है घुस पड़ना, फॉरगेट मतलब भूल जाना। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इंट्रूड, घुस पड़ना या अतिक्रमण करना। आगे देखिए 36, अपेरेंटली। अपेरेंटली का मतलब होता है प्रत्यक्ष रूप से, स्पष्ट रूप से, जो आपके सामने हो। आगे ऑप्शन देखेंगे सीमिंगली। सीमिंगली का मतलब होता है प्रतीत होना, मालूम पड़ना, सेम मीनिंग है दोनों का। ऑप्शन ए इसका सिनोनिम हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए कॉन्सिडरेबली। कॉन्सिडरेबली का मतलब होता है पर्याप्त रूप से। अनलाइकली का मतलब होता है किसी को पसंद ना करे, अनलाइकली तरीके से, मतलब उपेक्षा के तरीके से। क्वेश्चनेबली का मतलब होता है संदेहास्पद रूप से, डाउट रूप से। अगला देखिए 37 पर, डिस्पिकेबल। डिस्पिकेबल का हिंदी मीनिंग होता है घिनौना। डिस्पिकेबल का हिंदी मीनिंग होता है घिनौना। और यहाँ पे ऑप्शन सी कॉन्टेम्पटेबल का भी सेम मीनिंग होता है घिनौना। कमेंडेबल का मतलब होता है सराहनीय, लाउडेबल का मतलब भी होता है सराहनीय, डिजायरेबल का मतलब होता है आकर्षक। आगे देखेंगे 38, फोरबिड। फोरबिड का मतलब होता है रोकना, किसी भी चीज़ को रोकना। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। क्लोज मतलब बंद करना, एडीयू, ADIEU, रिड्यू का मतलब होता है विदाई। इनकरेज मतलब किसी को प्रोत्साहित करना। 39, सेलियंट। सेलियंट का हिंदी मीनिंग होता है मुख्य, मेन, जो उसमें मेन हो। स्टडी इसका सिनोनिम हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं, स्टडी का मतलब होता है मुख्य या स्ट्रॉन्ग। मेराइन, मेरिन का मतलब होता है समुद्री। नेविगेबल का मतलब होता है नौगम में, जहाज चलाने योग्य, नौगम में इसको बोलते हैं। नोटिसेबल का मतलब होता है ध्यान देने योग्य। आगे देखेंगे 38, 39, आई थिंक ये हो चुका है 40। चलिए यहाँ पे सेलियंट मैंने इसको कर दिया। अब यहाँ पे लास्ट है एपैथिक। एपैथिक का मतलब होता है उदासीन, कोई भी चीज़ उदासीन हो। इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस, इंटेस्टिनियस का मतलब होता है तत्कालिक। इंस्टेंट का मतलब ही होता है तत्काल, तुरंत, उसी से बना है इंस्टेंटेनियस, मतलब तत्कालिक। इरेगुलर, इरेगुलर का मतलब होता है अनियमित। इरेवेलेंट मतलब अप्रासंगिक। इनडिफरेंट मतलब उदासीन। यहाँ पे इसका जो सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा इनडिफरेंट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।